वृन्दावनेश्वरी प्रेमामृतैकमकरन्द प्रेमामृतैकमकरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मृतापमुग्रं निर्वापयत्परम् शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम राधा राधा सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण जू कृपा करके अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृत में उपदेश कर रहे हैं यदि उपासक श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करे और अपने आचरण में उतार ले जीवन बना ले धारणा बना ले तो इसी जन्म में परम हंसों के द्वारा आप जो प्राप्त महासुख है वो उसको प्राप्त अपने साधन बल में इतनी सामर्थ्य नहीं कि संचित कर्मों को हम भस्म कर सके क्योंकि हमारा प्रकृति से तदात्म हो चुका है हम जो भी साधना करते हैं प्रकृति को लेके करते हैं इसलिए उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे जमा अनेक जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस कर सके इसलिए हमें ये जानना होगा कि हमारा स्वरूप क्या है और प्रकृति का स्वरूप क्या है श्री भगवान यही कृपा करके वर्णन करते हैं कि ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत कृष्ण इनकी तन्मात्राएं भी जुड़ जाती शब्द स्पर्श रूप गंध ये है स्थूल जगत स्थूल शरीर प्रभु ने कहा जो आंतरिक सूक्ष्म शरीर में प्रधान है वो है बुद्धि मन और अहंकार मनन वृत्ति होने के कारण उसे चित्त कहा गया ये आठ प्रकार की प्रकृति पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार इसी से संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म कारण जगत की रचना हुई है और इस प्रकृति में जो आकर्षण है चैतन्यता चे, है वो परमात्मा का ही स्वरूप है उसके बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है जैसे जितने भी आभूषण हैं उनका अस्तित्व स्वर्ण है ऐसे ही प्रकृति का जो भी है उसका मूल आधार, उसका परम कारण उसका अस्तित्व श्री भगवान है ये जो जीव है इसकी जीव संज्ञा तभी हुई जब उसने प्रगति में प्रकृति में तदात्म कर लिया बहुत ध्यान देने योग्य विषय है प्रकृति में तदात्म हो जाना यह हमारी दुर्गति का कारण हो गया जो हमारा स्वरूप है वो अखंड आनंद है कभी भी कोई भी विघ्न हमारे तक पहुंच ही नहीं सकता कोई अस्त्र शस्त्र मंत्र शाप, वरदान कोई हमारे तक नहीं पहुंच सकता अक्लेदय अशोष्य अदा है हमारा स्वरूप है नैनम छिन्हं श्राणी नैनम दहाति पावकहा नचेम क्लीदेन दूर्ण शोष्यति मारुता क्योंकि ये प्रकृति के हैं इनका प्रहार प्रकृति तक ही है और हम मैं प्रकृति नहीं है ये परमात्म स्वरूप है जो जीव कहा गया देहाभिमान के कारण कहा गया नहीं वही परमात्मा एक हम बहुश्याम मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं ऐसा संकल्प बना और वो अनंत रूपों में प्रकाशित हो गया आपका जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है आप जो विषयों में भटक रहे हैं नाना प्रकार की योनियों का ना चाहते हुए बंधन दुख क्लेश अशांति भोग रहे हैं उसका कारण आपका प्रकृति के प्रति तदात्म भाव है इस तदात्म भाव को मिटाना ही होता है चाहे कर्म योग से चाहे ज्ञान योग से चाहे अष्टांग योग से या भक्ति योग से बिना इसे मिटाए ना कोई ज्ञानी होता है ना कोई योगी होता है ना कोई शांति को प्राप्त होता है फिर प्रेम तो बहुत ऊंची बात है हां इसके मिटाने की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं साधन हैं साधन वो भी पवित्र होने के लिए पवित्र होते ही अंतकरण आप इससे विलग हो जाएंगे जो विलग हैं ऐसा अनुभव हो जाएगा चाहे आप भक्ति से चले थे तो थेई वचन मिथुन मुख निशरत सुनिशन देह दशा किन भूलो प्रियालाल देखो कैसे शोभा से युक्त होकर रास में अद्भुत सुख बरसा रहे हैं इनके वचन सुनो और आसक्त तो हो जाओ तो देह भाव नष्ट हो जाएगा अर्थात रास विलास से भरे हुए पदों का गायन करो पद गायन करते करते तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और पद की लीला झलकने लगेगी ये लीला जे ही प्रकट होगी तुम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से मुक्त हो जाओगे ऐसे ही अष्टांग योगी प्राणों को वश में करके मन का निरोध करके परमात्म स्वरूप के चिंतन में तन्मय हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण विस्मृत हो गया केवल वही सर्वात्मा प्रभु उसी में चित्त डूब गया ज्ञानी स्थूल सूक्ष्म कारण को मिथ्या मान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है भूल गया देह शुद्धि, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे भक्त हो चाहे प्रेमी हो जब तक देह भाव है तब तक बंधा हुआ है ये जो मैं है अपना स्वरूप है ये ना भगवान का रचा हुआ है ना प्रकृति की रचना है ये स्वयं ही है उसे चाहे जिस भाव में ले लो आप जिस शरीर में जाते हैं उसी में तदात्म करके अपने को मान लेते हैं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं अमूक हूं मैं नहीं है मैं का कोई रूप नहीं है ये जितने रूप हैं यह सब प्रकृति के हैं इसमें तदात्म होने के कारण आपकी दुर्गति हो रही है इसी तदात्म को मिटाना है श्री भगवान का साक्षात ये अंश है अंश जो है वो भगवत स्वरूप ही है कहने मात्र को है अब देखो इसमें एको हम बहुश्यामा मैं बहुत रूपों में हो जाऊं तो आप कहेंगे भगवान ही सब अंशों में प्रकट हो गए हैं तो अंश शब्द समझाने के लिए है वस्तुतः वो ही वो है जब शब में है तो यहां भी है सब समय है तो इस समय भी है शव रूपों में है तो इस रूप में भी है बस समझना है हमारी समझ प्रकृति में तदात्म होने के कारण बहुत हीन हो चुकी है बहुत हीन हो चुकी है आनंद समुद्र होते हुए तुच्छ भोगों की सुख वृत्ति में कैसे अपने जीवन नष्ट किए जा रहे हैं? ये हीनता ये आशक्ति ममता इस प्रकृति से तदात्म होने के कारण आई है अनंत ब्रह्मांडों में समस्त लोकों में चौदह भुवनों में जितना भी जड़ चेतन स्थावर जंगम थलचर जलचर नवचर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिद सात्विक राजस तामस मनुष्य देवता पितर गंधर्व पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्ष जो कुछ भी है देखने में सुनने में पढ़ने में कल्पना करने में यह सब इन्हीं दो का खेल है अष्टा प्रकृति और ये परमात्माष इसी से और ये कभी मिल नहीं सकते एक दिव्य चैतन्य एक रश, एक रस है परिवर्तनशील जड़ दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता बस ये भाव से पकड़ लिया गया है भाव से पकड़ लिया देह भाव है बंधा नहीं है उसने बंधन को स्वीकार किया है तो उसी को यह अनुभव होना चाहिए कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं दूसरा लाख समझाए नहीं समझ पाएगा उसी को बहुत हे बुद्धि हो गई है बहुत नीच प्रवृत्ति हो गई है इस प्रकृति का चिंतन करते करते प्रकृति का भोगता बनते बनते हमारी ऐसी स्थिति हो गई है हम क्षुद्र व्यसनों को नहीं त्याग पाते हम छुद्र छोटी छोटी बातों में फिसले हुए हैं आपका स्वरूप किसी साधना से बढ़ता नहीं है किसी असाधन से घटता नहीं है वो एक रस है नित्य है अचल है इसमें कोई परिवर्तन कूट है, है कूटस्थ कैसे हम फस रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पंचभूतों की तन्मात्रा हैं, है पंचभूत ये शरीर है और इस शरीर को मैं मान करके बस हमारी सब दुर्गति का कारण ही बन गया अब ये केवल प्रवचन सुनने और करने से नहीं हटने वाला है जो भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, जितना चराचर है दो के संयोग से है और इस दो में वही है वही तीसरा कोई नहीं है दो में वही है वही अपरा प्रकृति और वही पराप्रकृति पर इसे समझने के लिए एक को मिथ्या साबित करना होगा आपको मैं को तो आप मिथ्या कर ही नहीं सकते हर स्थिति में मैं हूं ऐसा बोध शब को होता है को कोई मिटा नहीं सकता मैं ये जो बोध हो रहा है चाहे जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो चाहे सुसुप्ति में मैं बहुत अच्छा सोया मैं उस समय भी जागृत था केवल अंतकरण की वृत्तियां घोर तमोगुण में चले जाने के कारण वो निद्रा अवस्था या मूर्छा अवस्था को प्राप्त होती है स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता इन अवस्थाओं से इसीलिए जो स्वरूप में स्थित है वो तुरी अवस्था का महापुरुष कहा जाता है जीवन मुक्त कहा जाता है भक्ति को आप खिलवाड़ न समझिए प्रेम रस की झलक पाने के पहले ही स्थिति आ जाती है शांत रस है भाव की प्रबलता में पहुंचने के लिए इस प्रपंच से ऊपर उठना होगा जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सब सब एक ब्याल को खायो ये विषयी वृत्ति के लिए बहुत पहाड़ जैसा दिखता है लेकिन जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो गया है हम निंदा स्तुति करते भटकते रहते हैं अमुक ने हमें ऐसा कहा अमुक ने हमें निकाल दिया अमुक ने हमें स्वीकार किया वो बड़ा अच्छा वो बहुत बुरा ये उपासक की वृत्ति नहीं प्रपंचातीत तो होने के लिए आपने लक्ष्य बनाया है तो प्रपंच को क्यों स्वीकार करते हो आप अपने स्वरूप निष्ठा में अपनी भगवत निष्ठा में हैं जो बहुमान करे को मेरो बहुमानत ना ही बढ़ाई जो अपमान करे को क्यों के अपमान नहीं लघुताई क्या बिगड़ जाएगा अगर आपकी कोई निंदा करता है तो निंदनी है इसलिए निंदा करता है यह शरीर निंदनी है हमें तो कोई देख नहीं पा रहा जो हमें देख लेगा वो हम ही हम आए तो निंदा किसकी करेगा अर्थात जो स्वरूप का परिचय प्राप्त कर चुका है तो मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप दो नहीं है संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों में एक ही तत्व है उसकी निंदा की नहीं जा सकती उसकी निंदा की ही नहीं जा सकती और पंचभूतों से रचित शरीर अष्टधा प्रकृति ये, ये निकृष्ट है इसी की निंदा होती है अगर आपके शरीर की निंदा हो रही है तो कौन सी बड़ी बात है तो निंदनीय है ही है स्वरूप की कोई निंदा कर ही नहीं सकता है वहां तक वाणी की ही नहीं हो तो अनुभव गम में भजे जे संता फिर परेशानी किस बात की है सारी चर्चा गुण गुणों की है यह सब प्रकृति के अंतर्गत है कहीं गुण का प्रकाश है कहीं अवगुण का हमें इससे क्या तात्पर्य हमको तो प्रकृति के संबंध से ही रहित होना है तो बड़ा मुश्किल होता है जब कोई शरीर को लक्ष्य करके निंदा करता है तो आग लग जाती है क्यों क्योंकि प्रकृति से तदात्म है इसको मैं मान लिया है ये बड़ी ऊंचाई तक कसौटी होगी आपके कहने से नहीं होगा कि मैंने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया जब कसौटी होगी तो उसका परिणाम दिखाई देना चाहिए कि आप बोधवान हैं तुल्य निंदा स्तुति समलुष्टास्म कांचना मान स्पर्श न कर जाए मोह की कहीं गंध नहीं निर्माण अमोहा किसी भी संग का आपके ऊपर रंग न चढ़े विशेष विशेष भूख सामग्रियां प्रकृति की आपके सामने हैं और आपका उनमें सुख न हो भोग भाव न हो आकर्षण न जित संग दोषा अध्यात्म नित्या वो नित्य स्वरूप में निरंतर रमण करता है वो स्वरूप किसी और का नहीं अपना स्वरूप है मैं आत्मा का ध्यान करता हूं यज्ञानी की भाषा है अरे मैं ही ध्यान का विषय हूं जितना ध्यान है सब विस्मरण हो गया जो बचा वही हमारा स्वरूप है स्वरूप का ध्यान नहीं किया जाता जितना ध्यान में आता है सबका विस्मरण हो जाए ध्यान रहित हो जाना ही स्वरूप है कोई स्मृति नहीं रह गई एकमात्र चाहे उसे भगवान कहो आत्मा कहो परमात्मा कहो प्रभु कहो प्रियालाल कहो यही आत्मा है एकमात्र मैं स्मृति में हूं ये भी विस्मृत हो गया वही जब तक ये प्रकृति का आकर्षण है तब तक दोषों को आप स्वीकार किए हुए हैं इसलिए आप पतित होते रहेंगे उपासक इस अष्टधा प्रकृति के आकर्षण से तदात्म से अपने को हटाता है हमारा लक्ष्य हमारा स्वरूप ही है कोई और नहीं है इसलिए पवित्र बुद्धि चाहिए जितनी भी क्रियाएं हैं आप देख लो चाहे शत हो या अशत ये सब प्रकृति को लेकर के हैं और जब प्रकृति को लेकर क्रिया की जाती है तो अंदर अहम रहता है मैं करता तब तक बंधे ही तो है चाहे जो भी क्रिया करें आप जो भी क्रिया करें बड़ी से बड़ी क्रिया वो प्रकृति जन्य ही है और उसके आप सूक्ष्म भाव में करता है ये भाव जब तक है तब तक आप जीवन मुक्त नहीं है अध्यात्म नित्या विनिवृत्य कामा कोई भी कामना उस उपासक के हृदय में नहीं होती क्यों क्योंकि प्रकृति के तदात्म से ही कामना होती है हमारे स्वरूप में कभी कामना हो ही नहीं सकती सामर्थ्य नहीं है किसी की हमारे स्वरूप में कामना पैदा कर दे प्रकृति को तदात्म भाव से स्वीकार करने वाला कभी निष्काम हो ही नहीं सकता ध्यान दीजिए जब तक देह भाव है तब तक कामना है स्वरूप में कभी कामना हो नहीं कामना तब होती है जहां अभाव होता है स्वरूप भाव में कोई अभाव नहीं है और प्रकृति में अभाव ही अभाव है किसी को भी देख लो जो प्रकृति में तदात्म है वो अभाव ग्रस्त है तभी कामना है यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब जितनी प्रकृति की रचना है आप जितना तदात्म है ही कामना से युक्त हैं जितनी कामना है ही अशांति उतने ही दुख है जब तक कामना है तब तक शांति नहीं और अशांति सबको बेचैन किए हुए है ये मान रहे हम सुखी है अशांत से कुता सुखम अशांत कभी सुख का अनुभव कर सकता है इसलिए श्री भगवान कहते हैं तोनी निभूता अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में ये दो ही हैं अपरा और परा इन्हीं के संयोग से ये अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड तभी जो भगवत प्राप्त हो जाता है उसके लिए सृष्टि रहती नहीं? नहीं रहती सृष्टि जित देखूं तित मई अब सृष्टि नहीं केवल प्रभु दिखाई दे रहे हे अर्जुन तुम ऐसा समझो कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभो हूं तथा प्रलय हूं जैसे कुम्हार मिट्टी चाक बर्तन बड़ा भेद है कुम्हार अलग धातु है चाक अलग है मिट्टी अलग है फिर वो पात्र बनता है इस पूरी सृष्टि में प्रभु ही बनाने वाले हैं प्रभु ही बनने वाले हैं प्रभु की शिवा कोई नहीं दूसरा कुछ नहीं ये प्रकृति भी परमात्मा है पर जब तक इसका त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको ये अनुभव में नहीं आएगा जैसे सब जगह प्रभु हैं ये बात जानने के लिए पहले सब जगह से आपको हटना होगा वैराग्य धारण करना होगा नहीं तो फिर क्या है आप भोगों में रमण कर रहे हैं भगवान भगवान में रमण कर रहे हैं सब में हम में भगवान आप में भगवान 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 में रमण कर रहे हैं फिर अटने की ज़रूरत क्या है तो फिर नर्क भी भगवान है दुर्गति भी भगवान है नाना प्रकार के क्लेश अशांति भी भगवान है आप कहो भगवान नर्क कैसे हो सकते हैं तो जब बनने वाले जितने कुछ है वो सब भगवान ही है बनाने वाले भगवान तो बनने वाले भगवान तो जो भी <kel> त्रिगुणात्मिका प्रकृति में रचा गया वो सब भगवान ही तो है ना अशांति दुख क्लेश की परंपरा कभी नष्ट नहीं होगी और इसी को नष्ट करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है तो शब में भगवान है ये बात जानने के लिए पहले सबसे हटना होगा इसी को कहते हैं बैराग्यवान इसी को ध्रुवदास जी ने कहा जगते भयो फिरे बैरागी पहले हटना होगा बिना हटे यदि आप ऐसी बात कहते हैं बात बनेगी नहीं आपका राग आपकी आशक्ति आपकी ममता प्रकृति में रहेगी और ऊपर से आप ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी क्लेश अशांति जन्म मृत्यु परंपरा नहीं हटने वाली इसलिए जगते भयो फिरे वैरागे सब प्रपंच का त्याग करो सब प्रपंच का बाहर ज्यादा बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं यही सब प्रपंच है जो आप शरीर देख रहे जो आपका मन है जो आपका स्वभाव है इसी प्रपंच से हमें ऊपर उठना है महापुरुषों ने कहा मन शरीर और वाणी इनके व्यापार पर तुम्हें दृष्टि रखनी है मन पर तुम्हें व्यापार मन होता उनकी क्रियाओं पर उनकी चेष्टाओं पर मन पर तुम्हें यह दृष्टि रखनी है कि आपने जो निश्चय किया है उससे बिलग इसका मनन ना होने पावे ये भगवत प्राप्ति के उपासकों के लिए है उपासक को त्रिगुणात्मिका माया से ममत्व तो हटाने के लिए तदात्म भाव हटाने के लिए इन तीन पर दृष्टि रखना होगा मन शरीर और वाणी मन के व्यापार पर दृष्टि आपका लक्ष्य श्यामा श्याम जिनको योगियों ने परमात्मा कहा ज्ञानियों ने ब्रह्म का भक्तों ने भगवान का वही हमारे लाडले युगल सरकार लाडली लाल हैं प्यारी जू प्यारे जू हमारे मन की गति यदि इनसे हटकर कहीं और वस्तु व्यक्ति स्थान में जाती है ये हमारे लिए बहुत घातक होगी निष्किंचन इंद्री दमन रमा रमण इकतार तुलसी ऐसे संतजन बिरले या संसार राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्वाण नानक कहे पथ कठिन है कोई कोई गुरुमुख जान मनमुख नहीं सबसे पहली उपासक की दृष्टि मन पर होनी चाहिए उसे अंतर्मुखी उपासक कहते हैं हमारी दृष्टि बाहर व्यक्ति पर होती है वस्तु पर होती है पदार्थ पर होती है देह में होती है उसने ऐसा कहा उसने ये बहुत घटिया बात है अरे हमें संपूर्ण प्रपंच का त्याग करना है गुण दोष युक्त संपूर्ण प्रपंच गुण दोष अनेक गुण या उभय न देखी देखी सो अविवेक ये अविवेकी जनों का संग त्याग देना चाहिए जहां गुण दोष की चर्चा निंदा स्तुति की चर्चा मान अपमान की बातें बहुत निकृष्ट बातें है हमें इस ऊंचाई पर पहुंचना है हम इन बातों पे लगे रहेंगे तो प्रकृति से तदात्म नहीं हट पाएगा पूजपात सीढ़िया बाबा जी महाराज एक बार गंगा के किनारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और बड़े बड़े महाजनों ने संतों को निमंत्रित किया था और एक भक्त गोष्ठी संत गोष्ठी बड़े बड़े महापुरुष आकर बाबा तो स्वरूप विराजमान तो एक महापुरुष ज्ञान मार्ग का उपदेश करने वाले और बड़े ही भारत के सम्माननीय थे वो जब उनको अवसर मिला बोलने का तो उन्होंने सीधे बाबा की बुराइयां बाबा के सामने ही शुरू कर दी हे सन्यासी होकर हरि बाबा को रोकते नहीं हैं सबसे प्रणों का उच्चारण करवाते हैं वेद विरुद्ध आचरण करवाते हैं और अपने को सन्यासी मानते हैं ऐसा वैसा हो बड़ा क्या होता है कि ये जो मत्सरता होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ही बनी रहती है मेरे से ऐसा मत्सरता का सहज पहचान है जब किसी की बड़ाई आपके सामने होने लगे और आप में एक जलन सी होने लगे लगे यहां यह तो अब फिर आप उसकी कुछ हेता वर्णन करने लगे समझ लेना आपको मत्सरता का रोग हो गया है बाबा वैसे शांत आधा घंटा तक वो यही सब बहुत से विद्वान शिष्य बाबा के थे जो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी थे वास्तविक शास्त्रों का ज्ञान बार बार बाबा ऐसे इशारे किए जो कोलाहल मचा तो वैसे सब बैठ जाओ चुप शांत जब सभा संपन्न हुई बाबा गए तो कुटिया में जाकर बहुत से जो शिष्य थे समर्पित बाबा क्यों रोक दिया एक मिनट में इसकी जुबान बंद कर देते हाँ यही हमारे सत्संग का फल है ना आप जो को सबको यही ज्ञान हुआ है यही ब्रह्मबोध हुआ है आपको वो क्या गलत कह रहे थे अरे भाई जो शास्त्रीय सिद्धांत तो वो वर्णन कर रहे थे ये शरीर निंदनी इसकी निंदा कर रहे थे तो वो तो हम भी करते हैं शरीर की निंदा शास्त्रीय सिद्धांत हम भी वर्णन करते हैं रही बात की बाबा प्रणो का क्यों कीर्तन करवाते हैं हरि बाबा तो हरी बाबा और हरि में मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं है और ओम उन्हीं का नाम अगर वो बोलते हैं बुलवाते हैं तो सर्व सामर्थ्यशाली करे कुछ नहीं कोई द्वेष नहीं कोई परेशानी नहीं ये है शरीर के तदात्म से रहित होने का लक्षण यही है स्थिति तो हमें अपने मन के व्यापार पर दृष्टि रखनी है मन को ठीक करने के लिए पहले चाहिए उपासक को निष्किंचन हम लोग निष्किंचन का भाव ले लेते हैं। गरीबी फटे पुराने कपड़े ऐसे ऐसे वास्तविक अगर आपकी निष्किंचनता है प्रियालाल की शिवा आपका कोई नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा हृदय में भाव आ जाना ये निष्किंचन भाव है अगर एक लौकी के कमंडल में भी घिया के कमंडल में भी तुम्हारा राग है तो तुम निष्किंचन नहीं हो एक पर्णकुटी में एक लंगोटी में भी राग है तो तुम नहीं हो चक्रवर्ती सम्राट महाराज, राज अम्बरीश शा वही मन कृष्णो पदा कहा है मन की वृत्ति कृष्ण में तो कौन है बोले निष्किंचन भक्त है राग प्रभु के चरणारविंद की तरफ जाता है तो अनुराग कहलाता है और संसार की तरफ जाता है तो वही मोह आशक्ति राग आदि कहा जाता है हमें मन की वृत्ति पर दृष्टि रखना है कि प्रियालाल के शिवा हमारा कोई धन नहीं आया क्या क्या है कुछ भी हो शरीर छूट जाने के बाद तुम्हारे पास क्या रहेगा अभी स्वीकार कर लो तो महात्मा बन जाओगे कहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान धन संपत्ति आदि का आश्रय अंदर ना हो आश्रय प्रभु का हो चक्रवर्ती सम्राट है तो भी निष्किंचन है प्रभु का प्यारा है एक लंगोटी लगाने वाला महात्मा धूप का रस पाने वाला महात्मा निष्किंचन नहीं कहा गया और एक चक्रवर्ती सम्राट ये निष्किंचन की ये भाषा है हम निष्किंचन को ले लेते हैं दरिद्रता से गरीबी से ऐसा नहीं है अगर वो प्रभु में आसक्त चित्त है प्रभु की शिवा कोई बल नहीं कोई आश्रय नहीं वही निष्किंचन है इंद्री दमन किसी भी भोग में हमारा जो प्रियत्व आरोपित है वही सुख देता है एक वस्तु दूसरे को दी जाए जिसका आरोप उसमें सुख ना हो बिल्कुल उसको सुख नहीं मिलेगा किसी भी वस्तु में सुख नहीं है उसका जो सुखद भाव हो वो हमारी स्वीकृति है सच्ची मानना ये अंदर की बात है अध्यात्म की बात है तभी विनिवृत्त कामा होंगे आप किसी भी वस्तु में सुख नहीं है किसी भी भोग में सुख नहीं है जो आपको क्षणिक सुख लगता है वो आपकी स्वीकृति है आपने चिंतन किया भावना की सुखद भावना अब जब वो वस्तु मिलेगी तो आपको सुख लगेगा और यदि आपके हृदय में उसका चिंतन ना होने पावे फिर आप हमें बताओ कि कहां आपको सुख मिलेगा भय के द्वारा भी ऐसी स्थिति आ सकती है जैसे किसी को न्यायालय के द्वारा निश्चित कर दिया जाए तारीख को आपके इस अपराध का दंड मृत्यु दंड है फांसी मिलेगी अब उसको विश्व के सारे सुख दे दिए जाए भोगो आप अपना अनुभव लिखना कि किस भोग में क्या सुख है वो एक भी भोग का सुख नहीं अनुभव कर पाएगा क्यों भय से उसका चिंतन फांसी के फंदे पर आ गया कि कल बारह बजे फांसी होगी अब भोग लो जो कुछ नहीं भोग भोगते अगर भोगे भी तो सुख नहीं क्यों क्योंकि उसका चिंतन तो अगर सत्य सुख होता तो चिंतन कहीं भी वो सुख तो मिलेगा ना है तो मिलेगा ना है ही नहीं आपके चिंतन से है आपके चिंतन भय से वो सुख रहित तो हो गया क्योंकि वहां सुख है ही नहीं फिर विशुद्ध ज्ञान में कैसे तुम परमार्थ पथ के पथि को भगवत प्रेम मार्ग के पति को तुम्हें भोगों में सुख कैसे अनुभव हो रहा है इसका मतलब तुम्हारी अंतर्मुख वृत्ति नहीं है तुम अपने मन पर दृष्टि नहीं रख रहे हो तुम उस भोग का मनन करते हो तभी तुम्हें उस भोग में सुख बुद्धि है पक्की बात समझ लीजिए भोगों में सुख नहीं यदि मनन ना होने पावे फिर हमें बता दो संतों ने वमन बांतवत त्रिभुवन के सुखों का त्याग कर दिया बमन यहां तक वर्णन आया विष्ठावत मलवत है ही नहीं सुख और हम भगवत मार्ग के पथिक होकर भोगों में इंद्री दमन तभी हो सकता है जब आपका चिंतन न होने पाए सच्ची मानिए चिंत चिंतन कोई गाढ़ विषय आप चिंतन करो रहे संसारिक वो अमुक अमुक कार्य आपको सुंदर भोजन दिया जाए खीर से चीनी हटा दी जाए सब्जी से नमक हटा दिया जाए गाढ़ चिंतन हो पूरा भोजन पा जाएंगे आप निर्णय नहीं कर पाएंगे आपसे तो आप खो हमारा तो चिंतन समस्या वो थी उसमें लगा हुआ बिना चिंतन के कोई भी इंद्री कहीं भी त्रिभुवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकती भोग करने पर भी क्योंकि उसमें नहीं है और भगवान नाम में है तभी गोस्वामी जी लिख रहे भा नाम जपत आपका भाव नहीं पड़ रहा नाम के प्रति लेकिन आप जपिए उसमें सुख है आप कृतकृत्य हो जाएंगे आपका मंगल हो जाएगा भोगों में सुख नहीं है आपको अनुभव होता केवल चिंतन के कारण इसलिए उपासक को इंद्री दमन बनना चाहिए और इंद्री दमन वही बन सकता है जो आगे शब्द लिखा है रमा रमण एक तार मनन इकतार होना चाहे एक, एक जन्म दे दो श्यामा श्याम को हटाओ ये सब प्रपंच बातें हटाओ मन से केवल श्यामा श्याम का चिंतन करो जो चाहत है नित्य सुख अरुमन को विश्राम हित ध्रु हित सो भजतरो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम उपासक को प्रकृति के तदात्म से बचने के लिए मन पर दृष्टि रखनी चाहिए क्या मन पर दृष्टि रखनी चाहिए हमारा मन किन किन विषयों में जा रहा है ये अपवित्र मनन तो नहीं कर रहा है मत होने देना अगर इस बात में हो कि मन के द्वारा सोचा हुआ पाप लगता नहीं है तो हम खूब मनमानी चिंतन करें तो गंदा तो हो रहा है ना विषय चिंतन से मन गंदा हो रहा है और मन गंदा हो रहा तो बुद्धि प्रभावित हो रही है क्योंकि बुद्धि के अधीन मन नहीं है मन के अधीन बुद्धि हो गई है जिस दिन बुद्धि के अधीन मन हो जाएगा और बुद्धि प्रभु के चरणों बस जीत जाओगे बुद्धि प्रभावित हो रही है आप नहीं रोक पाएंगे यदि आपका मनन जिस विषय का हो रहा है और आपने उस समय उसमें बाधा नहीं पहुंचाई उसके मनन में और सहयोग कर दिया तो क्रिया को तुम रोक नहीं पाओगे तुम्हारी सामर्थ्य नहीं मनन ना होने पावे दृष्टि रखना यह अध्यात्म की वार्ता है इसीलिए बार बार करें ये केवल भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वाले उपासकों के लिए है जिसने निश्चय कर लिया है इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है और जिसको भगवत साक्षात्कार करना है उसको इस प्रकृति से तदात्म हटाना है और इस प्रकृति की तरफ आकर्षण इन्हीं के द्वारा मना कष्टानी प्रकृति मन इनका नेता है इंद्रियों का मुखिया है इसको संभालना क्या करना है इस पर दृष्टि हर समय रखनी है भोग का मनन न कर ये इस पूर्णा हुई विरोध हमारे अंदर होना चाहिए क्या विरोध राधा 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 पद गायन पद चिंतन इसके मनन में विघ्न डाल दो स्वाद न लेने पावे मनन का आप जीत जाओगे अंदर की बात समझो जो लोग कहते हैं कि हमें भजन में मन नहीं लगता तुम मन को सुख देने लगते हो विषय मनन में उपासक का भी विषय मनन प्रारंभ होता है पूर्वाभ्यास वश लेकिन उस मन को सुख नहीं भोगने देता मनन में ही वो जलन पैदा कर देता है विघ्न डाल देता है पद चिंतन नाम चिंतन सिद्धांत के वचनों को बार बार अंदर लाकर उस मनन में विघ्न डालता है मन निराश हो जाता है जलन पैदा कर देता है हम मन को दुलार करने वाले बन रहे इसका दुलार नहीं इसका दुलार करोगे तो मरेगा नहीं और इसका मरना हमारे लिए अमर होना है इसको मारना पड़ेगा मन ही मार तनहार के वृंदावन में मन मारिया तन बस में की ना बिना मन मारे तन बस में नहीं हो सकता मन मारिया तन बस में की ना तो हुआ भ्रम सब दूर बाहर से कुछ दिखत नाही अंदर चमके नूर आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम उनमें तो कुछ अंतर नाही संत कहो चाहे राम जिस समय बिल्कुल एक क्रम है आप मन पर दृष्टि रखेंगे और विषयों का मनन नहीं होने देंगे तो आपके शरीर में स्थिरता आने लगेगी चंचलता शरीर की नष्ट होने लगेगी एक गंभीरता क्योंकि इसका तदात्म है शरीर मन प्राण इनका तदात्म है शरीर की स्थिरता आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा आपके नेत्रों की चंचलता ठीक हो जाएगी श्रवणेन्दी की बहिर्मुखता ठीक हो मतलब पूरे के पूरे आप उपासक बन जाएंगे केवल मन पर आपको मनन ना होने वाली बात रखनी वो जहां विषयों का मनन करे रुको उसको संयम शरीर में जागृत हो जाएगा बहुत जरूरी बहुत जरूरी है शरीर का संयम बहुत जरूरी है शरीर का पवित्र होना शरीर का एक सिद्धांत के अनुसार वर्ताव करना ये मनमानी पशुता का आचरण उपासकों में नहीं होता है चले हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो मनमानी स्वयं अपना नाश कर रहे हैं स्वयं अपने हाथों के द्वारा अपना नाश कर रहे हैं हमें लगता है इनको केवल शरीर पोषण ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं हो सकता है भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक के पूर्व संस्कार उसे पीड़ित करें पीड़ित कर सकते हैं ना कि भ्रष्ट इतनी सामर्थ्य नहीं ध्यान रखना तुम्हें विक्षेप पहुंचा सकते हैं तुम्हारे अंदर जलन पैदा कर सकते हैं लेकिन तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सकते भ्रष्ट तभी होगे जब तुम तदात्म हो जाओगे तुम मनन में सुख लेने लगोगे तुम उसको स्वीकृति में बदल दोगे हां ठीक है इसका मतलब तुम्हारी भगवत प्राप्ति की स्वीकृति नहीं तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों को ऐसे उपासकों का संग त्याग देना चाहिए जो अपने संयम को नष्ट कर रहे हैं जो अपने मार्ग के पथ से ही भ्रष्ट हो रहे हैं समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं उनका संग त्याग देना चाहिए क्योंकि उस संग से हमारे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं कि हम अपनी बुद्धि को एकाग्र रख सके हमारी बुद्धि प्रपंच में सन जाएगी इसीलिए कुसंग का सर्वथा बरु बरुभलबास नरक कर ता दुष्ट संगजन वही दुष्ट है जो जानते हुए भी अपना नाश कर रहा है ये सुख है आप स्वाभाविक अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं स्वाभाविक आप अपने मन को गंदा कर रहे हैं स्वाभाविक आप अपने तन को गंदा आप भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक हैं समझ में नहीं आया केवल नाटक नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये परमार्थ मार्ग है इस पे अगर कदम रखना है तो होश में हो जाओ मन को मारना पड़ेगा मन को मारे बिना इस मार्ग में नहीं चला जा सकता वाणी का संयम बहुत संभाल कर बोलो आप जो बोलोगे वो मन पर प्रभाव डालेगा बाणी बहुत संभाल के बोलो बाणी एक अमोल हो जो कोई बोले जान तराजू तोल के तब मुख बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ समझ समझ के आपके पास वाणी एक अमोक शक्ति है ये केवल भगवान नाम कीर्तन भगवत लीला गायन या बोधे अंत परस्परम इसके लिए खुले नहीं तो मौन आप व्यवहार के पथिक नहीं कि सामने वाला कह रहा कि हमसे बात करो तभी हम हमको दोस्ती ही नहीं रखनी ना हमको तो जानबूझ के दोस्ती नहीं रखनी ठीक है आपका अपना जीवन है राधे श्याम मौन राधे श्याम बोला प्रगट में राधे श्याम बोलेंगे तो बात करेगा अगर ये पता है ये बात करेगा प्रभु से बिलक बात करेगा तो मैं राधे श्याम नहीं बोलना अंदर से राधे श्याम मानसिक प्रणाम चल दिया बिल्कुल निरपेक्ष सबसे पहला शब्द है भगवान जिन संतों के पीछे चरण रज लेने के लिए घूमते निरपेक्षम किसी की अपेक्षा नहीं अगर कोई भगवत विमुख वार्ता करता है तो चल देना है वहां से हमें एक मिनट भी नहीं तो वाणी ना सुननी है ना बोलनी है नहीं देर नहीं लगता निंदा होने लगती है वार्ता वार्ता में किसी न किसी उदाहरण में वो किसी की निंदा हुई लेना एक नहीं और हमारे सुकृत ऊपर से सब नष्ट हो रहे हैं क्या हमें लाभ मिला हम तो एक एक चीज संभाल के चल रहे हैं प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए और कुशंग हो गया तो हमारा पतन हो जाता है शरीर वैसे तो प्रकृति का है पर जब आप पवित्र आचरण करते हैं तो ये दिव्य होने लगता है पार्थिव होते हुए भी शाश्वत हो जाता है कितने से महापुरुष शदे भगवान के धाम गए श्री तुकार के लिए विमाना सदेह गए मीरा जी उसी शरीर से समा गए प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव सशरीर अंतर ध्यान समा गए जगन्नाथ जी में बहुत से ऐसे भक्त जिनको कोई जानता भी नहीं उनका दिव्य शरीर हो गया चलो हमें यह नहीं करना कि हमारा भाव बने कि हम मरे ही ना शरीर ना छूटे पर वो शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है कई ऐसे संत भगवान को बड़ी दिव्यता स्पर्श करने मात्र से एक अलौकिक ऊर्जा शक्ति हृदय में संचरित होती है जिनका शरीर पावन हो जाता है अरे तीर्थी ही कुरवंत तीर्थानु जहां चरण रख दे वो भूमि तीर्थ हो जाती है तीर्थों में भी तीर्थत्व आ जाता है गंगा भी निष्पाप हो जाती है हरी और गंगा उनके पीछे डोलते अभी एक पद में आया था जो संकेत किया देखो हरिमाम व्यास जी क्या कह रहे हरी और गंगा जी उनके पीछे डोलते जिनका शरीर भगवत सेवा के सिवा कभी भी कोई भी अन्य चेष्टा शास्त्र विरुद्ध नहीं करता उनके शरीर पावन हो जाते हैं एक बार उड़िया बाबा एक घर में भिक्षा पाने गए तो बाहर चबूतरे में बैठे एक वृद्ध जो है नाम बड़े तेजस्वी बाबा भिक्षा पाके आए और कहा कि जब ऐसी आपकी निष्ठा है आप ऐसे दिखाई देते हैं तो आपको तो गंगा किनारे वास करना चाहे तो उनका महाराज आपका कहना उचित ही है पर जो शास्त्र संयम से चल रहा है जैसे पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ और फिर ब्रह्मचर्य एक समय सीमा उत्पत्ति रूपी भगवान की पूजा सृष्टि की ब्रह्मचर्य और निरंतर नाम जब कर रहा है तो उसके लिए गंगा जी स्वयं उसके घर आ जाती है उसको गंगा किनारे जाना नहीं पड़ता बाबा बहुत प्रसन्न हुए समझिए गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं है ये भी भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है पर आप लोग अपने को गृहस्थ मान करके पशुवत आचरण करे तो बात नहीं है गृहस्थ बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकता है मेहनत के द्वारा कमाया हुआ अन्न धन अतिथि संत गौ बीमार इनकी सेवा में लगाया उचित अपने परिवार का पोषण कर रहा है और नाम जप कर रहा है संयम से रह रहा है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे विरक्त पूर्ण रूप से चित्तवृत्ति भगवदाकार करके संपूर्ण संसार से राग का नाश कर दे जयति जयति जग उच्च रहे इसीलिए सब उनको गुरु स्वरूप मान करके प्रणाम करते चाहे जितना गृहस्थ भक्त हो पर विरक्त के सामने जाकर के चरणों में लौट जाता है किसलिए कि कहीं ना कहीं हमने राग का पोषण किया है और आपने राग का त्याग करके वैराग्य युक्त इसलिए वैराग्य की आप भी भजन करते हैं हम भी भजन करते हैं पर हमारे भजन में राग रहा है और आपने वैराग्य को इसलिए सब सर झुकाते हैं किसको वैराग्य को राग रहित होकर जीवन ये कपड़े को कोई प्रणाम नहीं करता इस कपड़े के और भी शरीरों के वस्त्र बनते हैं कोई खास बात कपड़ा नहीं है बात है राग का त्याग तो शरीर आपका बहुत संयम युक्त और पवित्र रहना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए ये आज के समय में लोग इस पर विचार नहीं करते शौच गए पशुवत शौच की कोई पवित्रता के नियम नहीं वो एक कपड़े पहन भजन होगा तुमसे तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवत चरणारविंद में लगेगी शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना शरीर से वैराग्य होगा यह आंतरिक बात है आपकी दिनचर्या पवित्रता से युक्त होनी चाहिए शरीर की जा मनाया जैसे मनाया लघु शंका कर लिया ना जल है आपको प्रक्षालन के लिए आचमन के लिए ना हाथ धोने के लिए आप ऐसे ही तो पशुवत आचरण में तुम्हारी भगवदाकार वृत्ति होगी पुराने के जो उपासक और संत महात्मा थे बावरे थे क्या नहीं पवित्रता आपके वस्त्र पवित्र आपका शरीर पवित्र आपका आचरण पवित्र भगवान का चिंतन निरंतर होने लगेगा देखना भोजन पवित्र संग पवित्र क्योंकि इस सबसे शतोगुण बढ़ेगा और जब शत्रुगुण बढ़कर भजन होगा तो भजन शत्रुगुण को भी शांत कर देगा गुणातीत स्थिति प्रदान कर देगा अब जहां मनाया हुआ खाली जैसे मना पशु आचरण करे भगवदा कर वृत्ति होगी शरीर पवित्र वाणी संयम में मन पर पूरी की पूरी सावधानी इसलिए उपासक को फुर्सत कहा है बाहर की वार्ता करने के लिए वो तो अपने ही चिंतन में है अपने मन पर हर समय निगरानी रख रहा है राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्वाण नानक कहे पथ कठिन है कोई कोई गुरुमुख जान मनमुख नहीं गुरुमुख कोई कोई गुरु कृपा पात्र इस बात को जानता है कि राग और द्वेष दोनों को छोड़ दे ना किसी से राग ना किसी से द्वेष वही आत्मस्वरूप को वही अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त कर पाता है संपूर्ण प्रपंच से उदासीन दृष्टि रख करके समस्त वासनाओं का क्षय करके जो संकल्प रहित होकर भजन करता है वो इसी जन्म में जीते जी भगवत साक्षात्कार कर लेता है फिर सुन लीजिए संपूर्ण प्रपंच से उदासीन उदासीन कहते हैं ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु राग द्वेष दोनों खोइए न कोई अपना मित्र है एक भी कोई शत्रु पूरी सृष्टि में नहीं है हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा प्रपंच दंभ आदि कछू न पीखिए एक भी अगर दुश्मन है तो लौटना पड़ेगा तुमको इस सृष्टि में और एक भी मित्र है तो लौटना पड़ेगा एक भी वस्तु में राग है तो आना पड़ेगा एक भी वस्तु से द्वेष है तो तुम्हें आना पड़ेगा सर्व खल मिदम ब्रह्म वासुदेवा स्वरमित समाहमा सुदुर्लभा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चय सुपाके पंडिता समदर्शिना सब रूपों में मेरा प्रीतम है न राग न द्वेष इसलिए उदासीन उदासीन हो करके संपूर्ण सृष्टि से संपूर्ण ये है विजय समस्त वासनाओं का क्षय कुछ भी भोगने की इच्छा ही नहीं रही, संकल्प रहित जीवन निरंतर भजन वो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार कर लेता है विचार पूर्वक संकल्प रहित बनो संशय रहित बनो अपनी एकाग्रता रूपी संपत्ति को संजोते रहो चंचलता की निवृत्ति करके आप अपने चित्त को चोर में समर्पित कर दो यही जीवन का परम लक्ष्य है आपके इस लक्ष्य प्राप्ति में लय विक्षेप कषाय ये बहुत विघ्न पहुंचाते हैं जिस समय हम भजन में बैठते हैं तो हमारा लय होने लगता है तमोगुण में जैसे सत्संग चल रहा है वो तो बहुत सावधानी है नहीं तो अभी आपको सत्संग के शब्द रोग की घोटा भी सुनवा सकते हैं ऐसे सोना ये बहुत विक्षेप है भजन में तमोगुण में अपने को लय मत होने दो एक नींद का समय रखो उतने के अलावा नींद नहीं आनी चाहिए आप कह दो हम जान नहीं पाते सो जाते हैं ये उपासक ऐसे नहीं ये तो विषयी पुरुषों का लक्षण है हमने निश्चय किया नहीं सुना फिर नींद कैसे आ सकती है हमारी स्वीकृति के बिना नींद आ जाएगी हमारी स्वीकृति के बिना काम आ जाएगा हमारी स्वीकृति के बिना क्रोध आ जाएगा क्या समझा है आपने अपने को क्या समझा है यही तो दुर्दशा का कारण हो चुका है जो आप इतने अधीन होते चले जा रहे हैं इतने हे भाव को चले आपकी स्वीकृति के बिना कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है आप स्वीकृति ना दें कि यह गलत है तो क्रोध ही नहीं आएगा आप स्वीकृति ना दें कि यह मेरा है तो ममता ही नहीं होगी आप स्वीकृति ना दें कि मैं पुरुष हूं तो भोग ही नहीं होगा स्वीकृति आपकी स्वीकृति ही है तो अति भोजन ये खट्टी डकारे नहीं आनी चाहिए उपासक को अरे कितना पाओगे मलई तो बनेगा चर्बी बढ़ेगी कितना पाओगे पूरा जीवन होता गया पाते पाते और रोज नए नए फिर नया चाव, नई भूख नई स्वाद दृष्टि ये देखो सावधानी का है अति भोजन विषयी पुरुष का लक्षण शरीर पोषण के लिए अन्न डालना हाँ किसी किसी की खुराक भी होती है उसको अति भोजन में नहीं कह सकते अब जैसे वजन ही है तीस पैंतीस किलो उसका तब तो एक दो रोटी खाएगा अब सौ किलो वजन का शरीर है तो दस रोटी तो पाई। अब उसको कह दो कि एक रोटी तो नहीं चलेगा उसको कह दो दस रोटी तो भी नहीं चलेगा शरीर की एक तो सबका तारतव में नहीं मिलाना है तो बहुत हल्का शरीर है बहुत ऐसे अब उस, अब उस अब वो अगर दस पाता है तो बहुत अति भोजन होता है लेकिन शरीर के अनुसार जितने में आपको पाने के बाद यदि एक घंटा बैठना पड़े तुरंत तो आपको यह न लगे कि आपका पेट भरा है ऐसा उपासक को भोजन करना चाहिए इससे आप लय से बच जाएंगे जो हमें भजन में बाधा पहुंचाता है ये लय पहला तो अति भोजन पकवान अतिरु पा लेने पर फिर पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है वो भजन नहीं होने देगा और दूसरा है व्यर्थ चिंतन ये लय के अंतर्गत ही आता है अब भजन में बैठे हैं पूर्व की बातें आ रही बहे चले जा रहे हैं या कोई आगे का भोग का संकल्प बहे चले जा रहे हैं ये किसी ने अपमान ये सब उसी समय आएगा जब आप भजन में बैठोगे आप जब भजन में बैठोगे भगवत चिंतन ये उसी समय सब आएंगे पूरा प्रपंच आएगा पूर्व में किसी ने कोई कड़वी बात कह दी अचानक ध्यान उसने ऐसा कहा फिर आपको ये लय सहना पड़ेगा मन दे रहा है आपको स्वीकार नहीं करनी ये बातें दूसरों के भजन की न्यूनता दिखाएगा तो हम तो सुबह इतने बजे उठते हैं वो तो सोता रहता है और वो वैसे माला लेके बातें कर हम तो भजन करते हैं वो ऐसा वो ऐसा ये उस समय जब भजन कर रहे हैं बहुत सावधान और कोई नशा करना बोले तो थोड़ी चना मटरा की तरह भांग चढ़ा लो तो बोले बढ़िया हाँ ध्यान लगता है भैया तो सिद्धों के काम साधकों के नहीं आप इस चक्कर में न पढ़ना सिद्ध संतों की लीलाएं बड़ी विचित्र विचित्र होती है दस तोला संख्या जहर रोज पाते थे उड़िया बाबा इस बात को देखने के लिए उनके पास गए और कहा महाराज हमने सुना दस तोला संख्या पाते हैं हाँ बोले आज हम आप पाते देखेंगे आपके हाँ बोले अमर तो रोज के नहीं चार बजे आ जाना हम चार बजे पीसते हैं संखिया धतूरा धतुरा वो महाराज इतने में तो पचीसों आदमी मर जाएंगे आप कैसे बोले अभ्यास पहले दिन एक बीज ऐसे रगड़ के चाटा था और धीरे धीरे एक बीज फिर दो बीज इतना अब शंकर भगवान हलाल जहर तो आप उनकी प्रसादी धतुर का फल चढ़ता शंकर जी में सेव का फल चढ़े तो प्रसाद रूप धतुर खाओगे क्या तो ये भी देख ला है कि बड़े बड़े सिद्धों की अलग अलग लीलाएं रही इछावर में एक फक्कड़ बाबा थे मतलब इतनी सतुआ जैसे पाई जाती एक लंगोटी लगा बड़े सिद्ध महापुरुष बड़े, अच्छा। बड़े चमत्कार साधक को यह सब नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल कोई नशा नहीं तमाकू नहीं और ये जो दुनिया के जितने कोई भी नशा जिसकी याद आवे ऐसा कोई विषन आपको रोटी दाल से काम चला लो आगे नहीं तो आजकल ज्यादा सिद्धि इसी में चल रही कि हाँ थोड़ा सा लगा एक संत भगवान को देखा वह समय से तो हमें लगा बड़ा भजन गंगा किनारे भ्रमण बड़े हम अंदर से मतलब बड़ा श्रद्धा बढ़ी हर समय से शांत से एकदम महाराज आपकी तो वृत्ति देख के बेटे हमें लगा कि मतलब ऐसी बढ़िया उन्मनी अवस्था है मतलब तो हर समय अचेत रहते हैं भैया ये सिद्धि काम नहीं करेगी भगवत प्राप्ति में ध्यान रखो चैतन्य होकर युद्ध करना है और समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करना है कोई भी उपासक के जीवन में नहीं होना चाहिए तो लय से बच जाएगा उसी को ध्यान कहते हैं जो लय हमारे यहां भगवत प्राप्ति में बाधक कहा गया है जैसे आप कोई नशा पाए अब तो बोले तो, बढ़िया यार बड़ा मन चुकी उस समय अवस्था जैसी होती है ना एकदम तो बेशुद्ध अवस्था तो उसको देखो देखो इसमें पकड़ो एक बात संसार का चिंतन छूटा उसको आनंद लगता है नाली में पड़ा है दूसरे दिन फिर पिएगा क्यों क्योंकि वो ऐसे संसार का चिंतन छोड़ नहीं पाता जहां वो पिया तो मूर्छा सी अंदर से आई वो संसार का चिंतन उसे उसको विश्राम सा मिलता है शयन में नींद में जो आपको विश्राम मिलता है ना संसार का चिंतन छूटने का खास बात समझो ये संसार का चिंतन छोड़ने पर ऐसा लगता है कोई भी नशा जितना संसार का चिंतन छुड़ाता है उतना प्रिय लगने लगता है ये इसीलिए कहा गया सबसे बड़ा नशा नाम है अगर आप नाम निरंतर जपो और जागृत में संसार का चिंतन ना हो तो आप परमानंद में डूब जाओगे तभी तो जिसको चस्का लग गया ना इस नशे का नाम का नहीं जो अभी एक परिवार आया था हमें परिचय हर समय नाम हर समय पूरा पर, हम बार बार उनका स्मरण करके अंदर भाव धन्य है ऐसे ग्रह हर समय हर समय वो नाम पूरा परिवार लगकर ये देखो ये है जीवन ये जीवन है हम पूरे के पूरे समय हमें भगवान ने दिया है भजन के लिए पूरा का पूरा जीवन दिया है हम लोग प्रमाद करते हैं देखो गृहस्थ है और नाम निरंतर धन्य है वो गृहस्थ धन्य है वो भूमि धन्य है जहाँ ऐसे जन रहते हैं जिनकी जिभ्या से हर समय ना उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है और विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है जरूरी निरंतर विक्षेप यह जो बार बार विषयों का चिंतन होता है चिंतन के अनुसार क्रियाएं हो जाती है भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा विक्षेप है विषय चिंतन विषय क्रिया और इस विक्षेप को आप विक्षेप मानते ही नहीं है नहीं तो आप क्यों करते हैं माना इस पूर्णा हो सकती है पर आपसे क्रिया कैसे होती है और जब क्रिया हो रही है तो आप साधक नहीं साधक नहीं तो साधक समाज में भी रहने लायक नहीं हो बैठने लायक नहीं हो संभाषण लायक नहीं हो ये व्यवहार का मार्ग थोड़ी है यह व्यवहार का मार्ग नहीं है यह परमार्थ है अगर आप प्रियालाल के प्रति समर्पित नहीं हो आपके आचरण पवित्र नहीं है आप आचरण पवित्र नहीं करना चाहते हो आप चिदानंद तत्व में स्थित नहीं रहना चाहते हो तो जिसने अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया वो तुम्हारा कैसे साथ स्वीकार कर सकता है सोचो जिसने जो शरीर को पैदा करने वाले हैं शरीर के सगे हैं उनको तो ऐसे छोड़ दिया फिर तुम्हें क्यों स्वीकार करेगा तुम्हें तो तुम इसीलिए स्वीकार किया ना कि तुम वास्तविक सगे हमारे हो प्रियालाल से संबंध रखते हो विषय निर्विकारता की तरफ आगे बढ़ रहे हो स्वागत तो है आपका हमारे सगे संबंधियों आप हमारे स्नेह नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेभ लो अंजन कहा आंख जो फूटे बहुत कहो कहा लो वो अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे वो मित्र किस काम का वो शिष्य किस काम का वो संग किस काम का जिसके चिंतन में हमें प्रियालाल ना दिखाई दे जिसके आचरण में प्रियालाल के प्रति समर्पण ना दिखाई दे किस बात का मित्र बहुत सावधान विक्षेप से मुक्त होने के लिए अनात्म पदार्थों का चिंतन उनके भोग की वृत्ति उनमें सत्यत्व बुद्धि सुख बुद्धि इसका त्याग करना होता है कषाय मन के भोगों के चिंतन में लगने पर जब हम उसको हटाते हैं तो वो हमें क्लेश देता है जो इस क्लेश को ना सह करके मन के अनुसार चल देता उसे है उसे कषाय कहते हैं प्राय कोई बिरला ही सूरवीर होता है जो इस बात को सह पाता है बाहर की लाठी के प्रहार को सहा जा सकता है लेकिन मन की मार को केवल महात्मा सह सकता है, दूसरा नहीं इतनी मार देता है कि अपने हाथ से फांसी लगा लेता है आदमी अपने हाथ से जहर खा लेता है, लेकिन मन की मार नहीं सह पाता और उसी को जो सह जाता है महात्मा होता है इसलिए जगत बंधनी होता है वो। मन की मार को जाना ये बहुत बड़ी बात है मन जहां नचाता है वैसे पूरी सृष्टि नाच रही है और मन को जो प्रभु के चरणों में नचा देता है उसे महात्मा कहते हैं और नाम में सामर्थ है यह सामर्थ आप में जागृत नाम करेगा भोगों से हटाने में जो क्लेश होता है उस क्लेश को मन तुम्हारे हृदय में पैदा करेगा उसको सहो यम ही न पुरुषम पुरुषर्षभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन जो इस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता वो परम पद का अधिकारी होता है ये अंदर बैठा लिए, बात ये अंदर की है। और जो उस मन की जलन को मिटाने के लिए मन पर दया करके उसकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करता है वो भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाता है ये मन बहुत थोड़ी देर तो यार मनोरंजन चाहिए ना हाँ यही तो चाह रहा है वो थोड़ी देर दो पूरी सामग्री 24 घंटे के लिए जमा कर लेगा मन को अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी उसको छूट दे दी तो इतना चतुर खिलाड़ी है कि 24 घंटे तुमसे युद्ध करने के लिए वो सामग्री तैयार कर लेगा हर समय उस पर नजर रखनी सोते जागते उठते बैठते देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे तभी उसको इनाम मिलता है इस बात का क्या अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु स्वयं उसे गले लगाते हैं आओ बहादुर मेरी माया का त्याग करके मेरे प्रति आयो जब तुमने मेरे को देखा नहीं था मेरे से मिले नहीं थे तब केवल मेरी बात सुनकर तुमने संसार का त्याग किया इसलिए मैं बिक गया तुम्हारे हाथ जो लोग कहते ना कि प्रभु को तो देखा नहीं सुना नहीं वो देख रहे हैं जिनको हमने देखा नहीं जिनसे हमारी बात नहीं हुई उनके लिए हम उनको त्याग रहे हैं जिनको देखा है जिनसे बात की है जिसको हम सुख मान रहे हैं केवल उनको रिझाने के लिए किनको पता नहीं है जिनका हमें पता नहीं है जिनको हमने देखा नहीं कभी बात नहीं उनके लिए सर्वस्व त्याग कर दिया तब वो आगे आके अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी हृदय से लगाते हैं और कहते हैं अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र मैं परम स्वतंत्र आज अपनी स्वतंत्रता को इसके हाथ में देता हूं मैं अस्वतंत्र हूं और ये स्वतंत्र है अभी तक मैं सारे जगत को नचाने वाला आज भक्त मेरा नचाने वाला बनेगा जैसा चाहेगा भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे अब ये जो चाहेगा वही मैं करूंगा क्यों सबसे ज्यादा प्रभु इस बात पे रीझ गए कि इसने मुझे देखा नहीं था केवल मेरी बात पे मेरी बात सुनकर इसने सब सुखों को त्याग कर दिया इसलिए प्रभु रीझ जाते हैं एक एक आपकी वृत्ति देख रहे हैं प्रभु एक एक चाल देख रहे हैं ऐसा मत सोचिए कि जीवन हमने त्याग में व्यतीत किया मुझे क्या मिला परिणाम देखना आजान बाहो प्रभु तुम्हें गले से लगाते मिलेंगे और यह शरीर छूटने के बाद नहीं शरीर में रहते हुए ये भ्रम छोड़ दो कि मरने के बाद ही प्रभु मिलते हैं नहीं ये आपकी तन्मयता अगर नहीं रही कुछ चूक रही तो फिर शरीर छूटने के बाद वो सारी चूक मिटा करके प्रभु से स्वीकार अगर जीते जी आप ऐसे हो गए तो फिर आपकी शिकायत मिट जाएगी कि प्रभु मिले नहीं नहीं नहीं, नहीं। बहुत कृपाल हैं और ऐसे प्यारे हैं कि करोड़ प्राण हों तो निछार उनका अपनापन जैसा है वैसा कहीं त्रिभुवन में किसी से नहीं मिला बस वो थोड़ी जरूरत यही है कि एक बार समेट लो मन को और आप समेट सकते हैं ऐसा नहीं है आप समेट सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं अरे आप कोई और नहीं है बस आप आप ही आप हैं बस कैसी भूल हो गई आप सब कुछ कर सकते हैं आप जो सोचते हैं कि मेरे में सामर्थ्य नहीं वो आप शरीर को लेकर बात कर रहे हैं स्वरूप के लेकर बात करेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं आप महान से महान पदवी को और आप नीच से नीचे योनियों में जा सकते हैं इसलिए सावधान हो जाइए अपने हृदय को भगवत चिंतन में ऐसा तन्मय कर दो कि शरीर और शरीर के विलास की स्मृति ही नष्ट हो जाए यही इस जीवन का परम लाभ केवल श्यामा श्याम हमारे चिंतन का विषय हो हमारे आश्रय का विषय केवल श्यामा श्याम रह जाए हम श्यामा श्याम के लिए पागल जैसे हो जाए जैसे पागल जिस बात को पकड़ लेता है वो श्री हो जाता है हमें से श्री हो जाए श्यामा श्याम श्यामा श्याम उनकी लीला उनकी बात उनके जन्म उन्हीं की भावना दूसरा कुछ नहीं ये जन्म सार्थक हो जाए ये सबके भाग्य में नहीं लिखा आप लोग बड़े भाग्य वाले हैं आपके भाग्य में लिख गया ये जो सौभाग्य मिल रहे हैं ना सबके भाग्य में नहीं बेचारे पूरा दिन विषय संग्रह में पूरी रात विषय भोग और निद्रा में पूरा जीवन यूं का एक गया समय पीछे का ये समय भी गया अब पता नहीं कितने मिनट समय बचा है किसी को पता नहीं लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं क्योंकि हर क्षण सही जगह जा रहा है इसलिए कोई चिंता नहीं बस आपका वर्तमान समय केवल प्रियालाल के चिंतन में जाए भविष्य लिख लो ऐसा मंगल में होगा कि ब्रह्मा जी भी प्रणाम करेंगे आपके भविष्य को जो निश्चय हो रहा है बिल्कुल चिंता मत कीजिए बस चिंतन कीजिए श्री जी का थोड़ी ये तो सुधार करना पड़ेगा शरीर संबंधी ये जो गलत चेष्टाएं शरीर के प्रति जो ममता रखकर भोगों में उतरना है बंद करो बहुत समय हो गया बहुत जन्म व्यतीत हो गए कहीं कुछ नहीं केवल भ्रम आपकी स्वीकृति आपका मनन यही आपको गिरा रहा है आप सावधान हो जाइए ये जो शास्त्र और शंत जन है ये सही सुख में निमग्न करने के लिए है ये आपके कोई दुश्मन नहीं है देखो माता पिता प्यार करेगा तो प्राकृतिक वस्तु देकर आपको सुखी देखना चाहता है बढ़िया मकान हो जाए खूब रुपया हमारे लड़के के नाम हो जाए बढ़िया दुल्हन मिल जाए हर व्यवस्था हो जाए लेकिन ये व्यवस्था सुख की नहीं है वो नहीं जानते हैं जब गुरु प्रसन्न होगा तो तुम्हारे शरीर के राग का नाश कर देगा तुम्हारी एक एक प्रवृत्ति पर शासन करके भगवदाकार कर देगा इसीलिए उनको निष्ठुर कहा जाता है कि तुम महात्मा लोग बड़े निष्ठुर होते निष्ठुर नहीं है सच्चा प्यार इनका है क्योंकि वो कितने दिन टिकने वाला है और ये शाश्वत सुख है इसीलिए गुरु के समान संतों के समान भगवत वाणी के समान कोई हमें प्यार दे सके दुलार कर सके त्रिभुवन में ऐसा नहीं इसलिए निरंतर भजन में लगे रहो असताचरणों का त्याग करो श्री राधा लाल